दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी बेस्ट फ्रेंड। सुबह के ठीक 8 बजे थे। मैं अपने फ्लैट में ताला लगा रहा था। अंदर टंगी ग्रैंडफादर्स क्लॉक के पेंडुलम से दाएं बाएं झूलने की आवाज आ रही थी। बार बार बिगड़ जाने के बाद भी मैं इसको पुराने शहर की तंग गलियों में छिपे बुजुर्ग घड़ी साजों से सुधरवा लाता था। पुरानी चीजों को सहेजे रखना शौक है मेरा, पुरानी यादों को भी। बहुत तंग करती हैं ये पुरानी चीजें और यादें भी, लेकिन मन बड़ा जिद्दी है, मानता नहीं। हर रोज इस घड़ी के पेंडुलम की आवाज के साथ मुझे महिमा याद आ जाती है। बेचैन हो जाता हूं मैं, पर यह बेचैनी मेरी आदत सी बन गई है। मैं ताला लगाकर थोड़ी देर बंद दरवाजे के सामने खड़ा सोचता रहा कि सुबह सुबह नौकरी पर जाने की हड़बड़ी में महिमा को याद करना ज्यादा जरूरी है या इस बात पे ध्यान लगाना कि प्रेजेंटेशन वाली पेन ड्राइव रखी कि नहीं, पावर बैंक लिया कि नहीं और नाश्ते के बाद ली जाने वाली दवाई भी। लेकिन जानता हूं आज मेरे सारे जतन बेकार हो जाने हैं। कल रात से महिमा का अक्स आंखों में और फोन पर कहे उसके शब्द कानों में धरना दिए बैठ गए हैं। 5 मिनट बाद मैं सोसाइटी के पार्किंग लॉट से बाहर निकल रहा था। मैंने एक्सेलरेटर पर पांव दबा दिया। मैं भोपाल से लगे हुए औद्योगिक क्षेत्र मंडदीप की एक दवाइयों की फैक्ट्री में काम करता था। सुबह उस ओर जाने वालों की भीड़ रहती थी, इसलिए मैंने समय से थोड़ा पहले निकलने की आदत डाल ली थी। शहर से निकलकर हाईवे पर आया तो मैंने कार स्टीरियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया ताकि 45 मिनट की लंबी ड्राइव में महिमा याद ना आए। लेकिन पिछले 4 सालों में मेरी हर ऐसी कोशिश नाकामयाब हुई है। वो चली ही आती है मेरे जहन में। महिमा, मेरी कॉलेज के 5 सालों की दोस्त, 3 साल ग्रेजुएशन और फिर 2 पोस्ट ग्रेजुएशन। बात थोड़ा पुरानी हो चुकी है। तब हम दोनों सागर की हरिशंकर गौर यूनिवर्सिटी में फार्मेसी पढ़ रहे थे। बी फार्मा का कोर्स करते करते हम एक दूसरे के दर्द की दवा भी बनने लगे थे। नहीं, बस एक जरा सा फर्क था। महिमा मेरे लिए दवा नहीं, दर्द थी। ठीक है, आज भी है। उन 5 सालों के साथ ने मेरे मन में धीरे धीरे ऐसा गहरा निशान बनाया था जिसे वक्त का मरहम अब तक ठीक नहीं कर पाया। और अब उसका वो फोन कॉल, और सिर्फ कॉल नहीं, उसने मुझे बुलाया था, नहीं जानता क्यों। गुड मॉर्निंग सर। कार कब ऑफिस के सामने तक आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सिक्योरिटी गार्ड मेरा कार्ड मांग रहा था। स्वाइप करके एंट्री होती है। काश हमारे पास ऐसा ही कार्ड और सिस्टम होता जिससे हम किसी की लाइफ में एंट्री मार सकते। किसी की क्या, बस काश मैं महिमा की जिंदगी में एंटर हो पाता। वैसे ठीक ठीक कहूं तो मैं महिमा की जिंदगी में शामिल था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह मैं चाहता था। मैं कॉलेज में उसका बेस्ट फ्रेंड था, यानी सबसे अच्छा दोस्त। और जैसे इस शब्द के साथ हर बात की सीमाएं तय होती हैं, हमारे बीच भी तय थी। लेकिन मेरा मन उन सीमाओं को लांघने के लिए बेचैन रहने लगा था। मैं उसे प्यार करने लगा था, एक दोस्त से कहीं ज्यादा। ये जानते हुए भी कि वो मुझको उस तरह से नहीं चाहती, मैं अपने आप को रोक नहीं सका था। मैं शायद उसके लिए नहीं, अपने आप के लिए प्यार कर रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आए। चलिए आगे बढ़ाता हूँ कहानी। कॉलेज में महिमा और मैं सबसे गहरे दोस्त थे। क्लास में साथ, फिर लाइब्रेरी, कॉफी शॉप, सब जगह साथ। लोग हमारे बारे में बातें करते थे, हमें रिलेशनशिप में समझते थे। और ये बात सुनकर महिमा मुस्कुरा देती, लापरवाही से अपने कंधे उचका देती। उसे लोगों और उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका दिल जब चाहता वो मेरे गले में अपनी बाहें लपेट के मोबाइल से सेल्फी खींच लेती और सोशल मीडिया पर अपनी DP भी बना लेती।
ऐसे ही किसी लम्हे में एक दिन मैंने अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द लपेट दी थी और वैसे ही शायद पूरी शाम गुजार देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को छुड़ा लिया। शायद उसे वैसा महसूस ही नहीं हुआ जैसा मैं कर रहा था। गॉट टू गो, चल फिर मिलते हैं, सी यू, कहकर वो चल दी। और अगले ही पल मैं वहां अकेला बैठा खुद से सवाल कर रहा था कि ये क्या है। मैं बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाते निभाते महिमा से प्यार करने लगा था। 21-22 की उस नाजुक उम्र में भी मैं उसे दिल की गहराई से एकदम सच्चा वाला प्यार करता था, और महिमा वो बात बात पर दोस्ती का दम भरती और मैं कुलबुला कर रह जाता। सच कहूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है उसका दोस्त बने रहने में, अपने आप को उसके करीब जाने से रोकने में। कॉलेज के बाद हम अलग अलग रास्ते चल दिए थे, बिना कोई वादा किए, बिना कोई उम्मीद जगाए। मोबाइल फोन पर बीसियों कम्युनिकेशन के तरीके थे, इसलिए हम जुदा होकर भी जुड़े जरूर रहे। मैं भोपाल में था और वो जबलपुर चली गई अपने पापा के पास। पहले हम रोज फोन पर बातें करते थे, फिर हम दोनों की नौकरी लग गई। मैं दवाइयों की इस बड़ी फर्म में प्रोडक्शन मैनेजर हो गया और वो जबलपुर साइंस कॉलेज में लेक्चरर। वक्त कम होता गया तो संवाद भी घटता गया, हालांकि महिमा मेरे भीतर उतनी की उतनी ही बनी रही, न घटी न बढ़ी। कुछ रिश्ते अपनी अपूर्णता में भी एक खास जगह बनाए रखते हैं, जैसे किसी सॉकेट में कुछ खाली जगह हो, फिलर के रूप में प्रेम से भरे जाने के इंतजार में। इस बीच तीज त्योहारों, फ्रेंडशिप डे जैसे मौकों पर मैसेज आए होंगे, या कभी ऐसा संवाद हुआ होगा जिसकी मैं कभी न जरूरत समझ पाया न वजह जान पाया। हाय, हेलो, कैसे हो? ऑल गुड। क्या चल रहा है? बस एज यूजुअल। चल यार, कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। कैच यू लेटर। हाँ, ओके, बाय, सी यू। पर कल रात महिमा का मैसेज नहीं, फोन आया था, और बस एक बात, तुम जबलपुर आ जाओ जल्दी। मैं हैरान था, घबरा रहा था। क्या हुआ, तू ठीक है? पापा, उनकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, वो सब ठीक, बस तुम आ जाओ और मेरे लिए कोई गिफ्ट, कुछ फूल वगैरह लेके आना, ताकि पापा को लगे, उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम और मैं, आई मीन यू नो व्हाट आई मीन। मैं सन रह गया। आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस, उसने कहा और फोन रख दिया। महिमा के फोन कॉल के बाद मैं पता नहीं कितनी देर तक यही सोचता रहा कि जो मैंने सुना था वो सच था क्या। आखिर वो मुझे अपने पापा से क्यों मिलवाना चाहती है, वो भी उस तरह से, यानी शायद बॉयफ्रेंड की तरह से। यही इशारा तो किया था उसने। मैं ऑफिस में भी महिमा के ख्यालों से ही घिरा रहा। दवाओं की महक की जगह मुझे महिमा के इत्र की महक आती रही। पुराने शहर से खरीद कर इत्र ले जाने का काम मैं ही करता था। उसे बड़ा शौक था तरह तरह की खुशबुएं लगाने का। बस प्यार की खुशबू से वो अनजान क्यों थी नहीं जानता। कई दफा मैं उससे पूछ भी लेता तो वो लापरवाही से अपने बाल पीछे झटकती हुई कहती, आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। मेरे कलेजे में सांप लौट जाता। दिन भर मेरे साथ रहती है, सोशल साइट्स की डीपी में भी, किसी से झगड़ती है तो मेरे कंधे भिगोती है, खुश होती है तब पार्टी भी मेरे साथ। अपनी माँ के देहांत के बाद 4 दिन अपना हॉस्टल छोड़कर मेरे कमरे में आके रही थी कि उसको रात में अकेले डर लगता है। कपड़े मेरी पसंद के पहनती है, मैं क्या पहनूं ये भी वो तय करती है। तो मैं राइट पर्सन क्यों नहीं, मैं पूछना चाहता था पर कभी पूछ नहीं पाया। मैं मोहब्बत पाने के लालच में एक अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहता था। हाँ, कॉलेज के बाद मैंने उससे दूरी बना ली थी। मुश्किल था ना प्यार होकर प्यार न होने का दिखावा करना। आज इतने साल बाद वो मुझसे कुछ उम्मीद कर रही थी और मैं न चाहते हुए भी रात की ट्रेन भोपाल जबलपुर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हो चुका था। ऑफिस में 10 दिन की छुट्टी की दरखास्त मेल कर दी थी। सुबह जबलपुर स्टेशन पहुंचा तो महिमा मुझे लेने आई थी। यार तू बेस्ट है, कहते हुए वो मेरे गले लग गई, और जब तक मैं उसके स्पर्श को महसूस करता वो उछल कर मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर मेरा हाथ थाम के संजीदगी से बोली, चल होटल चल के बात करते हैं।
उसने मेरे लिए रुकने का इंतजाम कर रखा था। होटल पहुंचकर कॉफी और सैंडविच के बीच वो मुझे बताती रही, पापा को 6 महीने पहले माइल्ड हार्ट अटैक आया था और आईसीयू में वो पाइप्स में और मशीन्स में और ऑक्सीजन मास्क में घिरे रहते हुए भी उन्होंने मेरी शादी की रट लगा दी थी। यार पूरे फिल्मी डायलॉग बोलने लगे हैं पापा, कहते हैं जीते जी तेरा घर बसते देखना चाहता हूँ, कहते हुए वो ज़रा सा हंस पड़ी। तुझे बस इतना कहना है कि एक्चुअली तुझे कुछ कहना ही नहीं है। मैं पापा से कह चुकी हूँ कि कॉलेज के ज़माने से तुझको चाहती हूँ और शादी भी सिर्फ तुझी से करूँगी। सैंडविच की सूखी ब्रेड मेरे हलक में अटक गई। मैंने गर्म कॉफ़ी का घूंट भर के निगल लिया, फिर मुस्कुरा के उसको छेड़ा, तो कर लेना शादी मुझसे सचमुच में। मुझे लगा उसकी आंखों में कोई दबा छिपा सा एहसास मुझे दिख जाएगा, लेकिन नहीं। उसने अपनी आंखें गोल गोल बटन की तरह फैलाई और बोली, शादी नेवर। यार मुझे लगता है ना, मैं नहीं रह सकती है रिश्तों के बंधन में, और ये पति वाला रिश्ता तो कई और रिश्ते पैकेज डील की तरह लाता है। उफ, मेरा तो दम घुट जाएगा यार। और तुझसे, तू तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। मैंने कॉफी का आखिरी घूंट पिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं नहीं मिल रहा तेरे पापा से, मुझे नहीं बोलना है झूठ, मुझे ये नाटक भी नहीं करना है तेरे साथ। ग्रो अप यार, कह दे अपने पापा से कि तुझे किसी से प्यार नहीं है और ना कभी हो सकता है, दैट्स ऑल। मैं शाम की ट्रेन से वापस लौट रहा हूँ। होटल के कमरे में ऐसी शांति थी जैसे वहाँ अभी अभी कोई तूफान होकर गुजरा हो। मेरी किसी बात के लिए महिमा को ना कहना किसी तूफान, किसी बवंडर के आने जैसा ही तो था। कॉलेज के दिनों में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने उसकी किसी बात का विरोध किया हो। अगर कर सकता तो उसके बेस्ट फ्रेंड होने का करता, कहता कि मुझसे प्यार करो, एक दोस्त से ज़्यादा। सच कहूँ तो मैं समझ नहीं पाता था कि वो मुझसे प्यार किए बिना कैसे रह पाती है। वो मुझ पर खुद से ज़्यादा यकीन करती थी। अपने सबसे कमज़ोर पलों में वो हमेशा मेरे पास आई है और उसके आंसू पूरे कॉलेज में सिर्फ मैंने ही देखे होंगे। वरना गले में चटख रंगों का स्कार्फ बांधे कैंपस में फर्राटे से स्कूटर दौड़ाती हुई वो लड़की किसी के हाथ कहाँ आती थी। वो भरी भीड़ में मेरा हाथ पकड़कर खींच लेती और तमाम लड़के लड़कियों के शोर के बीच हम अपना एक एकांकी कोना खोज लेते। मैं उसका वो हाथ पकड़े रहना चाहता था, कस के। मैं चाहता था उसकी हथेलियां खोलकर अपनी उंगलियों से कुछ लिख डालूं और वो अंदाजा लगाकर बताए कि मैंने लिखा क्या है, लेकिन मैं कभी नहीं कह सका। हमारा रिश्ता उसके तय किए गए नियमों की लकीर पर बैलेंस बनाकर चलता रहा। कॉलेज के बाद भी अब सब उसकी मर्जी से ही होता आया है। हम फोन पर बातें भी तब करते जब वो फ्री होती। मैसेज का जवाब उसका मन होता तो देती, वरना नहीं। मैसेज सीन के 2 ब्लू टिक भले मेरा मन कचोट डालते, लेकिन उसे क्या। एलुमनाई मीट में किस तरह जाना है, वहां मुझे उसके साथ रहना है या नहीं, अपने बारे में दोस्तों को कितना बताना है कितना नहीं, सब महिमा ने तय किया और मैंने माना। मेरे पास इसकी वजह थी, उसके लिए मेरा प्यार मुझसे ये सब करवा रहा था। लेकिन आज लगा जैसे मैं अब थक गया हूँ, उकता गया हूँ दोस्ती के दायरे में बंधा बंधा। मैंने लैपटॉप खोलकर शाम की टिकट्स चेक की तो अवेलेबिलिटी नहीं थी। मैंने अगली सुबह 10 बजे की बुकिंग कर दी। महिमा बिना कुछ बोले स्क्रीन को ताकती रही। मैंने लैपटॉप बंद किया तो वो वैसे ही बेफिक्री से बोली, सो अब तुम कल ही तक यहाँ हो तो कहीं घूमने चलें? चलो वो संगमरमर वाली चट्टानों के बीच बहती मेरी प्रिय नदी नर्मदा दिखा लाती हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया। आज के लिए मैं उसका काफ़ी विरोध कर चुका था। थोड़ी देर बाद हम भेड़ा घाट में पहाड़ों के बीच बहती नर्मदा में बोटिंग कर रहे थे। नाव खेने वाला लड़का जो गाइड के रोल में भी था, वो कहानियाँ सुना रहा था कि यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए की शूटिंग हुई थी। महिमा मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई, तुमने ना निभाया वचन। मैंने कोई वचन दिया था कभी? यह तुमने लिया था? मैं तन्ना आ गया। उसने मेरी दुखती रख पर हाथ रख दिया था। महिमा हंस दी। गाइड मुझसे पूछने लगा, अब आगे भूल भुलैया है, बताइए ना आप कहाँ मुड़ेगी, दाएं या बाएं? मैं चुप रहा। मुझे तो जिंदगी ही भूल भुलैया लग रही थी। नर्मदा कहाँ मुड़ेगी, नाव किस ओर जाएगी, ये मैं कहाँ बताता। गाइड फिर आवारा फिल्म के गाने की शूटिंग का जिक्र कर रहा था। वो गुनगुना रहा था,
दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा। महिमा बिना पलकें झपकाए मेरी तरफ देख रही थी। मैं अपनी नजर उसके चेहरे से हटाना नहीं चाह रहा था। मैंने झुककर नदी के पानी में हाथ डाल दिया, शायद ठंडा पानी मेरे होश वापस ले आए। गाइड गा रहा था, मैं तुमसे प्यार कर लूंगा, बातें हजार कर लूंगा। मुझे लगा जैसे कोई जादू हो रहा हो। मैं फिर धीरे से उसकी तरफ झुक रहा था। धुआंधार फॉल्स से पानी की बूंदें हवा में घुलती हुई मेरे और महिमा के चेहरे तक पहुंच रही थीं। महिमा मेरे करीब खड़ी मुझे बता रही थी। उसकी आवाज रुंधी हुई थी। जानते हो, पापा ने जब शादी की जिद करनी शुरू की तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं ना मानी तो वो दवाएं लेना बंद कर देंगे। तब इतनी बड़ी दुनिया में बस तुम ही मेरे माइंड में आए। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक पल को मुझे लगा जैसे यस, यही तो वो वक्त है। महिमा मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही है। लेकिन वो कहते कहते चुप हो गई। फिर बहुत देर बाद बोली, एक तुम ही तो हो जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। मुझे लगा जैसे वो मुझसे नहीं, उस वक्त अपने आप से बातें कर रही थी। मुझे महिमा पर एक बार फिर बहुत प्यार आने लगा था। मुझे लगा कि अपने आप से बात करता इंसान दुनिया का सबसे अकेला शख्स होता है, और अकेलापन कभी भी हमारी चॉइस नहीं होता। मैंने जरा सा सरक कर अपना बायां हाथ महिमा के कंधे के आसपास लपेट दिया। मुझे कॉलेज के जमाने की अल्हड़ महिमा याद आने लगी, जो एक सुबह मेरे हॉस्टल रूम का दरवाजा खड़खड़ाती धमक गई थी। उसके हाथ में सागर की खास मिठाई थी, चिरौंजी की बर्फी। मेरी जबान पर उस मिठाई के साथ बीते दिनों की मिठास घुलने लगी। वो दिन जब महिमा का हर पागलपन मैं बिना शिकवे शिकायत झेल जाता था, उसके बनते बिगड़ते मूड को बर्दाश्त करता रहता था। मुझे कॉलेज की वो महिमा याद आई जो कैंपस में मिलते ही मुझे एक कोने में खींच के ले जाती और अपना पिछली रात का सपना सुनाती। जानते हो, मैं कल रात सपने में एक नटनी थी। समझते हो नटनी? देखा होगा ना कभी कस्बों में, अरे वो रस्सी पे बैलेंस करती है जो। मैं जोर से हंस पड़ा था। उस रोज मुझे लगा था कि मैं उस रस्सी को तान के संभाला हुआ आदमी ही तो हूं, कि कहीं ये नटनी गिर ना जाए, कहीं इसका खेल खराब ना हो जाए, कहीं इसका भरोसा टूट ना जाए। चले, महिमा की आवाज से मैं चौंका तो नर्मदा के तेज धुआंधार बहाव की आवाज कानों में पड़ने लगी। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, फूल और चॉकलेट्स भी लेके जाना है। तुम्हारे पापा को लगना चाहिए ना कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं बोलता जा रहा था। पता नहीं ये किस चीज का सम्मोहन था। नारंगी होती शाम, बूंदे बिखेरता झरने का पानी, या मेरे करीब खड़ी ये लड़की महिमा। नर्मदा के पानी से थोड़ा भीगे भीगे से मैं और महिमा होटल पहुंचे। मैंने फिर रेलवे की साइट में लॉगिन किया और अपना रिटर्न टिकट कैंसिल कर दिया। महिमा चुपचाप मेरे पास बैठी स्क्रीन देखती रही। थोड़ी देर बाद मैं उसके घर उसके पापा के सामने बैठा था। ढलती उम्र और पिछले हार्ट अटैक के निशान उनकी आंखों में पड़ सकता था। धौंकनी जैसी चलती सांसें जैसे बार बार रुक जाने की धमकी दे रही थीं। मैं महिमा के एक बेटी के भीतर का डर महसूस कर रहा था। कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब? उसी फार्मा कंपनी में हो? उन्होंने पूछा। जी वही हूँ, शहर मुझे पकड़े हुए, मेट्रो सिटीज के लिए शायद मैं बना नहीं हूँ, मैंने हल्का सा मुस्कुरा के कहा। खुश रहना जरूरी है, तुम खुश रहोगे तभी तो महिमा को खुश रख पाओगे ना, उन्होंने उम्मीद भरी आवाज से कहा तो मैं जरा सा कांप गया, जैसे झूठ बोलने के बाद माँ के सामने खड़ा बच्चा कांपता है। मैंने आगे झुककर उनकी हथेलियां थाम ली। उनकी आंखों का पनीलापन मेरी पलकों में उतर आया। मैंने जेब से रुमाल निकालकर बहाने से आंखें पोंछ ली। हैरान था, याद नहीं पिछली बार कब इस तरह आंखें नम की थीं। महिमा पतझड़ में गिरे पत्ते की तरह जर्द चेहरा लिए मुझे और अपने पापा को देखती रही। वो चुप थी।
शायद अपने पापा से बोला गया झूठ उसके गले में भी अटक गया था। थोड़ी देर बाद महिमा के पापा सोने चले गए। वो कॉफ़ी के दो मग लेकर मेरे करीब आकर बैठ गई। पापा कितने खुश हैं तुमको देखकर। हाँ, मेरा झूठ पकड़ भी नहीं पाए, मैंने हल्का सा तंजिया लहजे में कहा। महिमा नज़रें नीची किए कॉफ़ी के मग के ऊपर तैरते हल्के भूरे झाग में फूंक मारती, फिर टूटते बुलबुलों को ताकती रहती। मुझे उसकी उतरी शक्ल देखकर अपने कहे का अफसोस हुआ। आई एम सॉरी यार, पता नहीं क्यों तुम्हारे पापा का मेरे लिए जो विश्वास दिखाना वो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल कर गया। आई एम फीलिंग गिल्टी। तुम्हें खुश रखने का झूठा वादा किया है मैंने उनसे। ये कहते हुए मुझे लगा जैसे मैं कोई रेस हार गया हूँ और दर्शकों में बैठे मेरे अपने हताश होकर मुझे देख रहे हैं। विश्वास का तोड़ा जाना कितना दुखद है ये पहले नहीं जानता था मैं। आने वाले पूरे सप्ताह मैं महिमा के घर आता जाता रहा, उसके पापा से मिलकर बीते और आने वाले दिनों की बातें करता रहा। तो कब की तारीख तय करें तुम दोनों की शादी की, एक दिन अचानक वो बोले। ये मेरे स्वांग की परीक्षा थी। मैंने उदास होकर कहा, अंकल मेरी बहन का रिश्ता हो जाए बस, अभी एक आध साल तो नहीं। मैंने अपराधी की तरह गर्दन नीचे कर ली। रात को खाने की टेबल पर महिमा न तो हमेशा की तरह मुझसे आग्रह कर रही थी और न ही खुद कुछ खा रही थी। रोटी के एक टुकड़े को देर तक अलटती पलटती रही। डिनर के बाद मैं होटल लौटने लगा तो महिमा मुझको छोड़ने बाहर तक आई। बागीचे के गेट पर उसने मेरी कलाई थाम ली। रुक जाओ ना, उसने मनुहार करते हुए कहा। मैं चुप रहा। वो मेरी आंखों में ताकती हुई बोली, मैं शायद देख नहीं पा रही थी कि मैं चाहती क्या हूं। समझ नहीं सकी कि बेस्ट फ्रेंड ही तो राइट मैन होता है। मैं चौंका। उसकी हथेलियां मेरी हथेलियों पर कसने लगी और ये स्पर्श मेरे लिए एकदम नया था। उसने अपना सर मेरे कंधे पर टिका लिया और बोली, शायद अब तक मुझे कोई इसलिए नहीं मिला क्योंकि कोई तुम जैसा था ही नहीं। मेरे मन के खाके में तुम पहले से ही थे और वहां किसी और की जगह थी ही नहीं। मैंने झट उसकी बात पर हामी भर दी और हौले से उसका माथा चूम लिया। महिमा की बंद आंखों से जरा सा प्यार छलक गया। दोस्ती की दहरी पर खड़ी ये लड़की प्रेम के दरवाजे पर दस्तक देती कितनी सुंदर लग रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।